अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर और दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, लेकिन दोनों फिल्में राजनीतिक गलियारों में छाई रही। फिल्म छपाक के प्रमोशन के दौरान दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंच गई। दीपिका ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आईसी घोष से मुलाकात की। उस दौरान वहां कन्हैया कुमार भी मौजूद थे, जिसके बाद फिल्म विवादों में फंस गया। फिल्म छपाक को लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करने की अपील की गई, तो लगे हाथ कांग्रेस ने फिल्म को लपक लिया और कांग्रेस शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। तो वहीं भगवाधारी तानाजी को बीजेपी ने अपना लिया। बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा तानाजी देखने की अपील की गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म तानाजी को टैक्स फ्री कर दिया। दीपिका की फिल्म छपाक अजय देवगन की फिल्म तानाजी के सामने बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 35 से 40 करोड़ का है, लेकिन फिल्म ने अब तक सिर्फ 26.53 करोड़ का ही कमाई की है। जानकार कहते हैं कि अब छपाक बमुश्किल ही लागत निकाल पाएगी, जबकि फिल्म तानाजी बॉक्स ऑफिस पर लगातार धुआंधार कमाई कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अपने रिलीज के छठे दिन ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है, और कहा जा रहा है कि अभी फिल्म का यह बिजनेस जारी रह सकता है, क्योंकि सेकंड वीकेंड में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने जा रही है। इस तरह से सेकंड वीकेंड में भी फिल्म की कमाई अच्छी रहने की उम्मीद है। बहरहाल दीपिका जेएनयू जाकर पछता जरूर रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।